नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पिनाक त्यागी। आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो विवादों से घिरे पड़े हैं, लेकिन लोग उन्हें स्वामी ओम बाबा के नाम से जानते हैं। आप इसलिए उन्हें बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं क्योंकि बिग बॉस में अगर कोई एक ऐसा विवादास्पद कैरेक्टर रहा है जो कि सलमान खान के भावों को भी एकदम ऊपर कर दे, नाक और आंख कान पास सब जगह से धुआं निकालना शुरू कर दे, तो वो हैं स्वामी ओम बाबा। तो आइए, स्वामी ओम बाबा के साथ साथ हमारे साथ तमाम हमारे दर्शक हैं, हमारे मेहमान हैं। पिनाक जी, स्वामी ओम बाबा कह लीजिए या विनोदानंद झा कह लीजिए, ये नाम दोबारा मत लेना। क्यों, किसने आपका नाम चेंज किया? ये बर्थ सर्टिफिकेट में, एफआईआर में किसका नाम है? कोई बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं। अच्छा, हम इस पर आइए, नाम दोबारा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? प्लीज, आपको लेना है तो नाम किसका है? ये लेते रहिए। नहीं, नाम किसका है ये बताइए। मेरा नाम नहीं है। किसका नाम है फिर? किसने दिया आपको नाम? सोनिया गांधी से पूछिए आप। किसने दिया आपको? सोनिया गांधी से पूछिए, सोनिया गांधी देश। अच्छा, मेरा नाम स्वामी ओम जी है, वो लेंगे। आपका नाम शाहरुख खान है तो आपका शाहरुख खान हो जाएगा। स्वामी ओम जी शुरू से नाम से एफआईआर में तो आपका नाम सोनिया गांधी की चाल है। मेरा आप सबको लेना देना नहीं है। पहचान पत्र में जो नाम है आप वो नाम लीजिए। अच्छा, चलिए। अच्छा, आइए स्वामी स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम जी मेरा, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पिनाक, स्वयंभू स्वामी है ये, इन्हें स्वामी किसने? अच्छा, किसने दी आपको बाजी स्वामी की? कर्पात्री जी का शिष्य हूं। किसने दी? आप तो सुनती नहीं है, बताइए ना, जोर से बोलिए। नाम बोल रहा हूँ ना, स्वामी कर्पात्री जी। आपको पता है कि कैसे मिलती है स्वामी की उपाधि? अरे पिनाक, मार्कंडे जी बैठे हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो बता सकते हैं कि कैसे मिलती है। मार्कंडे जी को मैं जानता हूँ, वे पहले पत्रकार थे। हाँ, अजय जी की तरह। तो उसके बाद एक पूरा प्रक्रिया होती है, योग साधना होती है, जिसके बाद आप स्वामी बनते हैं। मुझे मार्कंडे जी ने किसी ने दी है हिंदू समाज में, संत समाज में, बताने वाले? अरे भैया, हिंदू धर्म में जिसकी आप पैरवी करते हैं, जिसे बचाने की आप बात करते हैं, उसमें बाकायदा एक प्रक्रिया है, उसमें प्रक्रिया है स्वामी और किसी को धर्म गुरु या किसी को कुछ बनाने की। पिनाक सुन लीजिए, मेरा बचपन से नाम है ओम। अच्छा, स्वामी शब्द सिर्फ संन्यास के टाइम पर दिया गया था। अच्छा, संन्यास लिया आपने? संन्यास लिया मैंने 5 वर्ष की आयु में, और स्वामी कर्पात्री। और सुनिए, इतना ही नहीं, जो मैंने वस्त्र पहना हुआ है, मार्कंडेयपुरी जी को मालूम है ये सन्यासी का वस्त्र नहीं है। और मैं यानी कि स्वामी ओम जी या विनोदानंद जी जो बोले वो सही है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। चलिए ठीक है, आज आपका मन रखने के लिए, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव होता है। गलत नाम लेंगे तो मैं नहीं बैठूंगा, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है बाबा जी, आप बवाल और पब्लिसिटी ही करते हैं। बहरहाल आइए, अब जरा हमारे तमाम अन्य मेहमानों का भी तारुफ हम आपसे करवा दें। हमारे साथ विवेक विराट जी हैं, स्वामी मार्कंडेयपुरी जी हैं हमारे साथ हैं, एच एस रावत जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुजा कपूर जी हैं, इसके साथ साथ मुंबई से लोकेश कुमारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश कुमारी जी बिग बॉस में स्वामी ओम बाबा के साथ इस वक्त थी, कुछ ही देर में और भी अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो बिग बॉस में इनके साथ जुड़े थे, और स्वामी ओम बाबा के भाई भी हमसे रूबरू होंगे, वो भी बातचीत करेंगे। तो आइए, अरे स्वामी जी कहते हैं कि एक स्वामी के अंदर तो अपनी इंद्रियों पे इतना काबू होता है। अरे स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम बाबा, स्वामी तो हर चीज का सामना करता है, डर के भागता नहीं है, सवालों से डर के भाग रहे हैं। स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम बाबा, आप अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे आपको बार बार नौकर को, आप मेरे नौकर को भाई कहेंगे बैठ के करूंगा क्या? आइए, अगर वो आपके नौकर हैं, आइए सही मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए, सुनिए। आप न्यूज नेशन नेटवर्क पर हैं, और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को हटाइए आप, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बैठिए प्लीज, हटाइए, आप बैठिए। आइए, तो अगला सवाल हम एक मिनट, मैं ऑलरेडी विलन हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्वामी ओम बाबा, मैं आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ,
प्लीज आप भाषा का ध्यान रखिए, पहले आप नेशनल चैनल स्वामी ओम बाबा, मैं आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ, आप बाद में पूछ रहा हूं। मैंने कहा वो हमसे जुड़ेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बैठेंगे कि नहीं? बैठो 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 स्वामी, शांत रहो आप। यदि पहला सवाल इस तरह से ना तो आप इंडियन टेलीविजन के दर्शकों का अपमान करें और ना ही यहाँ बैठे लोगों का अपमान करें। अजय जी पहला सवाल मुझे आप पूछने दें, मैं पहला सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। पहला सवाल आपके लिए ये है कि लोग आपको फ्रॉड कहते हैं, लोग आपको ढोंगी कहते हैं, लोग आपको व्यभिचारी कहते हैं, लोग आपको महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप ब्लैकमेलर हैं। क्या हैं आप स्वामी हैं या ये तमाम चीजें हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ स्वामी ओम जी हूँ जी, बाकी जितने आपने उपाधियां मुझे दी है जी वो मैं नहीं हूँ, वो उपाधियां आप अपने पास वापस रखिए। तो इसका आप, कहने आपने बिग बॉस की एक क्लिप आपको मैं आप नहीं है ना? एक तो सुन लीजिए, ये विवेक जी सन्यासी नहीं है। बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने कब कहा मैं सन्यासी हूँ? आप सन्यासी का गरबा वस्त्र पहन के बैठे हैं, मतलब ये कपड़ा कोई नहीं पहन सकता क्या? ये कपड़ा कोई भी पहन सकता है, इस कलर का कपड़ा कोई भी पहन सकता है। मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, दो बच्चों का बाप हूँ, इसका क्या मतलब है? मैंने कब कहा मैं सन्यासी हूँ? तुमने बिग बॉस में क्या किया? तुम क्या बात करो? और क्या बात करो? तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? तू क्या बात करने लायक नहीं है? तेरे जैसे पीछे हाथ भी लगा रहा नहीं है, पीछे प्लीज 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 बताओ, तेरे जैसे आदमी से ऐसी कैसे बात होगी? हटाओ इसको, अरे तू सन्यासी है, तू सन्यासी के नाम पे कलंक है, ये कल है, तू सन्यासी के नाम पे कलंक है। अच्छा सन्यासी के नाम पे, आइए 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 सन्यासी है, प्लीज आइए आइए आइए। अच्छा प्लीज आप बैठिए, आप क्या है सन्यासी? मैंने आपसे कहा राजघाट के आश्रम पे कब्जा कर रखा है, बैठिए बैठिए। अपने भाई की साइकिल चोरी का इल्जाम है, हां कर रखा है, तू सन्यासी है? महिला के साथ स्वीमिंग पूल पे नहाता है ये सब मान के तू ठगता है? मैं ठगता हूं? तो एक भी सबूत दिखाओ, तुम्हारे खिलाफ सबूत है? अरे कोई सबूत नहीं है। बिग बॉस के अंदर मांसाहार खाया, सन्यासी के ये लक्षण है? तुमने बिग बॉस के अंदर अंडा खाया, ये सन्यासी के लक्षण है? तुमने बिग बॉस के अंदर लोगों को ऊपर मूत्र फेंका, ये सन्यासी के लक्षण है? अरे तूने कितने काम किया है वो? विराट जी विराट जी विराट जी प्लीज प्लीज। अच्छा सुनिए, आप बैठिए प्लीज विराट जी, आसन ग्रहण कीजिए, आसन आसन छूटा है, आसन ग्रहण कीजिए, सन्यासी के लक्षण है? आसन ग्रहण कीजिए, 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 चलिए स्वामी ओम बाबा जी, पहला सवाल स्वामी ओम बाबा जी, एक बात सुनिए आप, नहीं आप 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 शांत रहें, ये क्या कर रहे थे लोपा मुद्रा के साथ, आपने ये क्या छुआ था भाई? अब बोलने दीजिए मुझे। हाँ नहीं, पहले सबसे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, लोपा मुद्रा को किस तरह से छुआ था आपने? लोपा मुद्रा को तो मैंने छुआ, छूते हुए दिखाया क्या आपने? चलिए छूते हुए नहीं दिखाया, स्विमिंग पूल में आप इसको छू रहे थे? कोई महिला आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगाएगी क्या? कोई महिला आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ मुझे, कोई महिला क्या इस तरह से कभी किसी के ऊपर आरोप लगा सकती है? अजय जी अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो स्विमिंग पूल के अंदर लड़कियों के साथ आप, या तो आप सवाल पूछें मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ एक मिनट पिनास, हाँ मैं एक सेकंड, मैंने अभी ये मेरे बारे में सवाल है ना? हाँ, ये जवाब बाद में देंगे। नहीं नहीं, लोपा मुद्रा ने आपके ऊपर, तो मेरे आपने मेरे से पूछा ना, मुझे जवाब देने दीजिए ना आप। हाँ आप वो देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, मुद्दे पर आइए। हाँ, लोपा मुद्रा ने आपको अभद्र तरीके से छूने का आरोप लगाया। हाँ, अब एक महिला क्या इस तरह का आरोप बेबुनियाद तरीके से लगा सकती है, बताइए। अब आप मुझे जवाब देने जी, देखिए सबसे पहले तो सभी दर्शकों से और आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके ये अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर स्वामी ओम जी नहीं थे। सुन लीजिए क्यों नहीं थे, वो भी साथ में सुन लीजिए जी। जिस वक्त 15 अक्टूबर को मुझे वैनिटी में ले गए, जहाँ पर सलमान खान आया, जो बिग बॉस रियल में है, जिसका चेहरा दिखाया नहीं जाता, जो चेयरमैन है इनका एनएमओल का, वो आए, उनके दोनों डायरेक्टर आए, उनके सीईओ आए, उनके डायरेक्टर्स आए, इन सब ने मुझे एक शब्द कहा जी कि पिछले एक वर्ष से हम आपके ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम आपसे एक्टिंग कराएंगे,
और जो भी हम आपसे एक्टिंग कराना चाहेंगे यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे और बाहर ये दिखाएंगे। तो बाबा एक मिनट भाई विवेक 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 पहले मुझे बोलने दीजिए फिर बोलना आप। टीआरपी ऐसे मत लीजिए, टीआरपी मुझे भी लेना आता है। अच्छा। आप अभी अधूरे हैं उस मामले में, प्लीज। अच्छा मुझे बोलने दीजिए। हाँ, नहीं, अच्छा आप अपनी बात पहले कह लीजिए। हाँ। हम समझते हैं आप कहना क्या चाहते हैं जी, क्योंकि मुझे उसी सलमान खान ने किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड भी दिया है उसी दिन जिस दिन मैंने उसको मारा है। आइए आइए मुद्दे पर आइए स्वामी जी। हाँ, जब इन लोगों ने मुझे ये कहा जी, और चूंकि मैं देख चुका था कि मेरी वेनिटी के चारों तरफ करीब 50 बाउंसर्स खड़े थे, ये मैं समझ चुका था कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई। मैं इन राक्षसों के बीच में अब आ चुका हूँ, फंस चुका हूँ। यहाँ से निकालने का काम अब कोई नहीं मेरा मदद कर सकता क्योंकि बाहर हवा भी नहीं जा सकती। तो मेरे लिए बेहतर एक मिनट प्लीज आप मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर जो भी आप, मैं समझ गई। आप नहीं समझी ना, आप दुर्गा जी नहीं है, आप दुर्गा जी नहीं है, अंतर्यामी हो गई। आप पहले मुझे बोलने दीजिए, आप पूरी पूरी बोलने दीजिए, मुझे पहले बोलने दीजिए, सवाल का जवाब देने दीजिए। रावत जी सवाल का जवाब देने, स्वामी जी टेलीविजन पर वक्त की बड़ी कीमत होती है, तो लंबा बड़ा जवाब देने के बजाय आप संक्षेप में बस ये बता दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप वहाँ एक्टिंग कर रहे थे, आप ड्रामा कर रहे थे। सुनिए वही तो मैं कह रहा हूँ आपको जी, मुझे अपने प्राण को बचाने के लिए, जिंदा वापस आने के लिए, तो आप लड़कियों को शुरू कर दिया। हंसना बड़ा आसान है, आप लोगों ने हिंदुत्व के लिए सनातन धर्म के लिए सिर्फ गाने बजाई है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। मैंने किए हैं स्वामी, आप लोगों ने सिर्फ गाने बजाई है। स्वामी बाबा, एक सन्यासी को कैसा डर मौत से? सन्यासी तो पिंडदान करता है उसके बाद सन्यासी बनता है, तो फिर क्या डर था मौत से? आप बोलने देंगे स्वामी जी? बताइए, एक सन्यासी को आप या आ जाइए, ये लोग रोटी नहीं देते, पूजा सामग्री नहीं देते। स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम बाबा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आप वहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? मैं सीधे सीधे बताइए ना, आप इतनी भूमिका क्यों बांध रहे? मैं बिल्कुल एक्टिंग कर रहा था, अरे भाई बोलने दो। प्लीज बोलने दो मुझे आप। उसके बाद जब मैं घर के अंदर गया जी, तो चूंकि बाथरूम में मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा था कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। रो रहे थे, एक मिनट दांत मत फाड़ो प्लीज। मुझे बोलने दो। स्वामी जी बोलने दो भाई। हाँ बोलिए ना, जरा जल्दी, हमारे पास वक्त कम है प्लीज जी। वहाँ पर मैं सिर्फ एक मिनट का वक्त दे रहा हूँ आपको बोलने के लिए, फिर मैं आपको बंद कर दूंगा। सुनिए बताइए। नहीं मैं तो बंद हमेशा ही आप लोगों के जी। बाथरूम में जब मैं रो रहा था तो मैंने सोचा कि जब किसी का सहारा नहीं मिल रहा हो तो भगवान का सहारा मिलता है। मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूँ, मैंने उनका आह्वान किया, हंसो मत पागलों की तरह, जो मैं कहता हूँ पहले सुनो। ये लोग तो यकीन करेंगे नहीं कि सच्चाई है कि मैं जब आह्वान करता हूँ तंत्र विधि से तो मुझे सशरीर दर्शन होते हैं, और उसमें एक मिनट आप बात भी बोल लेना भाई, आप ऐसी विवादास्पद बातें कर रहे हैं। आप शायद दुनिया में पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने भगवान को शरीर देखा। हाँ हाँ, मैं पहला ही व्यक्ति हूँ और शायद आखिरी भी हो सकता हूँ। एक मिनट, तभी ये गलत भाई, पहले विवेक मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अच्छा तो भगवान जी आपको चिंता मत कीजिए। लोकेश 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 एक मिनट रुकना, तुम पहले मेरी बात आप मुझे नहीं, आप जरा ये सुनिए जो कि आप ही के सुनूंगा। आप सुनिए, आप जी आप मेरा जवाब नहीं, ओम जी आप इतनी लंबी चौड़ी देखिए, आप ये बार बार क्यों जाते हैं? आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? नहीं आप जवाब क्यों नहीं देने देते हैं? नहीं नहीं नहीं, लोकेश कुमारी जी आपसे कुछ कहना चाहती है, जरा सुनिए क्या कह रही है वो। देखिए लोकेश बाद में बोलेगी, नहीं आप सुनिए पहले, अब आपको सुनना पड़ेगा। आप दो मिनट से ज्यादा का वक्त ले चुके, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। लोकेश बाद में क्यों बोलेगी? झूठा इंसान, एक नंबर का झूठा इंसान है ये। बॉस के घर में किसी ने भी एक्टिंग करने के लिए नहीं बोला। इंडिविजुअल गए थे, इंडिविजुअल खेल रहे थे, ये सब अगर इनको बिग बॉस के घर से निकलना था तो ये बार बार बोल सकते थे। प्लीज 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 चलिए चलिए प्लीज।
चलिए ठीक है, अगर ये अपने इस बात पे अड़े रहते तो ये जरूर घर से बाहर निकाले जाते। अगर अनुजा अनुजा प्लीज अनुजा में नहीं रहना, अनुजा प्लीज प्लीज चलिए देखिए एक एक करके बात होगी, यदि एक एक करके बात होगी यहाँ पर अनुजा स्वामी जी स्वामी ओम बाबा जी प्लीज प्लीज अनुजा मैं प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी हम अपने दर्शकों को कुछ नहीं दिखा पा रहे, पहले सुनिए क्या कह रही है लोकेशा जी। लोकेशा जी प्लीज मेरी बात सुनिए। अच्छा बताइए लोकेश जी, अच्छा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। चलिए सुनिए, अच्छा स्वामी जी मैं आपको दो मिनट का वक्त दे रहा हूँ घड़ी देख के, दो मिनट बताइए। एक मिनट सुनिए जी, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ ने जी मुझे ये कहा कि बस तुम रो मत, यही से ओम लीला की शुरुआत होगी, जो एक्टिंग तुमसे करवाना चाहते हैं तुम करो और तुमको इतने फॉलोवर्स मिलेंगे जिनके सहयोग से तुम निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना कर पाओगे। और ये सच है जी। उनकी उनका जो स्वर निकला, लिखा है सदैव ब्रह्म वर्तते, उसके अनुकूल रिजल्ट आया है। आज 40 करोड़ लोग, वो लोग जो यूथ है, लड़के और लड़कियां जो मेरे फॉलोअर्स वाले नहीं थे, बिग बॉस के वजह से वो आज मेरे राम राज्य की स्थापना के लिए तन मन धन से तैयार है। और आपको तो यकीन नहीं होगा, आज पूरे वर्ल्ड से अमेरिकन कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज से इवन भारत से रैली होने वाला है, जो अपने खर्चे पे आ रहे हैं। आज हालत ये है कि मुझे 27 होटल बुक हो चुके हैं, मैंने पैसे नहीं दिए, लोग अपने मर्जी से लगा रहे हैं। अरे भाई एक मिनट, ये बहुत सारे साधु बैठे हैं, क्या किसी के सारे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बॉम्बे से हमारे दो मेहमान लगातार आपसे कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम जब बैठे हुए थे और रहा लवी का जहाँ तक सवाल है, लवी से तो मेरी मार होती है, हमेशा लड़ाई होती थी, तो वो मेरे खिलाफ ही बोलेगी। वो अभी बिंदु के साथ है, वो मेरे से एक मिनट, वो अभी सलमान की मेहरबानी से फिल्म में काम करने की कोशिश कर रही है, तो लवी तो मेरे खिलाफ बोले क्योंकि उसको फिल्म में काम करना है। मुझे उसको बिंदु के सहयोग से फिल्म मिलने वाला है, मुझे ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में सलमान को थप्पड़ मारने के बाद भी मिल रही है। मैंने लवी तुम फिल्म लो, तुम फिल्म लो सलमान खान, मुझे फिल्म वैसे ही मिल रही है, मुझे ना सलमान की जरूरत है ना बिग बॉस की जरूरत है। यहाँ पे फिल्म का कोई सीन नहीं है, फिल्म को साइड में रखो। मैं तुम तो उसी के लिए गई हो ना लवी बेटी, तुम तो उसी के लिए गई हो ना, तुम तो सलमान के फेवर में बोलोगी। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति मेरे खिलाफ, सुन लो लवी, जो भी व्यक्ति मेरे खिलाफ बोलेगा निश्चित रूप से वो माना जाएगा। पुलिस को मैं यहाँ आने से पहले ऑलरेडी मैं कंप्लेंट देके आया हूँ। एक मिनट, अरे मैं धमकी नहीं देता, स्वामी ओम बाबा जी कुछ भी मेरे से बात करो अब। हाँ, बात से बात करो आप। हाँ बेटी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, बात करो। एक हाँ बात बताओ, क्या लवी मैं आपसे लड़ाई करती थी शो के अंदर में? लवी मैंने आपसे मैं कभी आपके साथ मेरा खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। खट्टा मीठा का मतलब क्या होता है? आप भी बोलती थी और आपने मुझे शो में, मैं तो हमेशा वहाँ पर लवी को भी मैं बेटी ही कहता हूँ। लोकेश का मतलब प्यार का नाम है, वो लवी है। आप कभी बहुत अच्छे बन जाते थे जो हम लोगों को वो अच्छा भी लगता था, जो लवी सादगी दिखती थी। अच्छा, सुलाब ने क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि आप कभी एक्टिंग करते करते इतने अच्छे बन जाते थे कि किसी को अच्छा नहीं लगता था। आप कितनी एक्टिंग करते हैं?